नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज है संडे और मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए Q&A 10 हैशटैग #AskSwarnim। तो मैंने यहाँ पे दो पोस्ट करी थी, एक इंस्टाग्राम पे और एक यूट्यूब पे। उसमें मैंने आप सभी से पूछा था कुछ क्वेश्चंस, मतलब आपके क्वेश्चंस मैंने पूछे थे कि कोई क्वेश्चंस हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे। इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, बट यूट्यूब पे कम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, बट यहाँ पे मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो से भी क्वेश्चंस उठाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी कमाल की टेक वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। चलिए आज की कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आ रहा है दोस्तों इरफान जी की तरफ से। वो कह रहे हैं एंड्रॉयड 11 कब आएगा सैमसंग M21 को, बाय द वे बिग फैन। तो देखिए एंड्रॉयड 11 कब आएगा सैमसंग M21 को, ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे सैमसंग ने नोटिफाई कर दिया था सैमसंग मेंबर्स ऐप पे कि हम M सीरीज के लिए मेनली यहाँ पे मार्च 2021 में रोल आउट करने वाले हैं अपडेट्स। लेकिन बीटा अपडेट M31 में आ चुका है बीटा अपडेट, बट अभी बाकी और किसी M सीरीज के फ़ोन में अभी तक 3.0 अपडेट नहीं आया, तो आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा। अब जनवरी अप्रॉक्स खत्म होने ही वाला है, तो एक महीना या डेढ़ महीना आप और वेट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो आ रहा है यहाँ पे आदित्य चोपड़ा जी की तरफ से। भाई आपके 10th and 12th में कितने मार्क्स आए थे? तो देखिए मेरे 10th में मार्क्स तो मुझे टोटल नहीं याद है, बट आई थिंक यस 83% अराउंड 10th में मार्क्स है और 85% अराउंड मेरे 12th में मार्क्स थे। और 12th मैंने CBSE बोर्ड से दिया था और 10th मैंने दिया था UP बोर्ड से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो कर रहे हैं मॉन्स्टर गेमिंग, व्हेन विल अपडेट कम इन M सीरीज सैमसंग। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले हैं जिनमें आप सभी को अपडेट का बहुत वेट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया, अभी तक M सीरीज में अपडेट्स आए भी नहीं है रेगुलरली, तो पता नहीं सैमसंग क्या कर रहा है। फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो आपको सीधा मार्च में ही देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आ रहा है बाहुबली पाटिल जी की तरफ से, M21 डेली डेटा काउंटर क्यों नहीं? तो देखिए इसका कोई हम स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो इन फीचर को इन फोन्स में लगा सकती हैं कि नहीं लगा सकती हैं। बट काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो आपको डेली डेटा काउंटर प्रोवाइड करते हैं, तो प्ले स्टोर से आप इजीली ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो आ रहा है यहाँ पे विश्वजीत स्वेन BC19031 जी की तरफ से, मीवी डुओ पॉड्स M20 एंड बोट ईयरफोन 131 विच इज़ बेटर, लव फ्रॉम ओडिशा। तो लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीवी पॉड्स में जो मीवी के डुओ पॉड्स हैं और बोट के जो ईयर डॉप्स है 131, तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा बोट का ईयर डॉप्स 131 है और मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था ये जब तक मैंने इसको यूज़ किया। अभी तो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, बट जब तक मैंने इसको यूज़ किया मुझे काफ़ी पसंद आया ये। मीवी का मैंने यूज़ नहीं किया बट साउंड क्वालिटी इसकी मुझे बेटर लगी। और आपको एयरडॉप्स मिल रहे हैं अगर 12 ये 1300 के अराउंड मिल जाते हैं और मीवी के जो हैं वो आपको 2200 के अराउंड मिलते हैं, तो साउंड क्वालिटी में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। बट हाँ आप बोट के ईयरफोन्स ये जो 131 है इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो आ रहा है यहाँ पे श्रेयस कुलकर्णी जी की तरफ से, हेलो @SwarnimTiwari, आई एम श्रेयस एंड आई वॉन्ट टू आस्क दैट विच ईयरफोन्स आर बेटर, सैमसंग HS1303 और EG920। तो देखिए सैमसंग के ईयरफोन्स बेटर रहते हैं इसके लिए नो डाउट, तो मैं सैमसंग के ही साथ जाना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये दबास नीलांग जी की तरफ से, राजेश अरोड़ा वर्सेज डॉक्टर गुलाटी। तो दोस्तों तो नीलांग जी मुझे दोनों ही नहीं पता कि ये कौन है, फिलहाल डॉक्टर गुलाटी को मैं चूज़ कर लेता हूँ। अगला सवाल इन्होंने पूछा स्नैपड्रैगन वर्सेज एक्सिनॉस, तो मैं स्नैपड्रैगन के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि वो ओवरऑल एक मुझे लगता है ओवरऑल प्रोसेसर क्योंकि गेमिंग में बहुत अच्छा काम करता है। एक्सिनॉस के कुछ प्रोसेसर हैं जो अभी 2100 लेटेस्ट लॉन्च किया सैमसंग ने, उसकी बात अलग है, बट स्नैपड्रैगन के साथ मैं जाना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया वो सब मैंने यूट्यूब से पिकअप करे थे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे पहला सवाल आ रहा है इंस्टाग्राम का जो मैंने पोल क्रिएट किया था, सॉरी पोल नहीं क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे, टेक YT1 जी की तरफ से, काफ़ी अच्छा नाम है टेक YT1 साउंड अच्छा कर रहा है। भाई आप यूट्यूब टिप्स प्रोवाइड करो प्लीज़, लव यू। तो लव यू भाई, बट देखिए यूट्यूब टिप्स प्रोवाइड करना मेरा नीश चैनल से दूसरा हो जाएगा, बट देखिए यूट्यूब टिप्स मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ यहाँ पे कि देखिए जितने भी टाइम मैंने अभी ड्यूरेशन इसमें स्पेंड किया है उसमें बस एक चीज़ मैंने यहाँ पे करी, इस ऑब्जर्व करी है कि आप अपने व्यूअर्स को सुनिए। जब आप अपने व्यूअर्स के कमेंट्स को रीड करते हैं तो उन्हें एनालाइज करिए
क्योंकि जब तक आप अपने व्यूवर्स को खुश रखेंगे तभी आपका चैनल अच्छे से रन करेगा। बस यही एक टिप आपको अपनी पूरी जर्नी में अप्लाई रखनी है। अब अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है OSK11, When will you make next giveaway? तो सर अभी नेक्स्ट गिव अवे का अभी कोई मैंने प्लान नहीं रखा है, बट अनाउंस किया था मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम में कि मैं नेक्स्ट मंथ फरवरी में एक गिव अवे रखूंगा, बट अभी ऐसा कुछ मैंने फुल्ली डिसाइड नहीं किया है। तो अभी के लिए तो कोई गिव अवे नहीं है फिलहाल आने वाले एक दो हफ्तों में। अगला सवाल आ रहा है यहाँ पे सिंसियर किंग 007 जी की तरफ से, वॉट इज़ योर एज? तो सर मेरी एज अभी 19 ईयर्स है। अगला सवाल है यहाँ पे गुज्जू गेमर जी की तरफ से, ये यूट्यूब के थ्रू मैंने कमेंट पिक किया है, सर मेरे M21 में जो एक कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का है उसका ऑप्शन अंदर नहीं है। तो सर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने हमारे कैमरास होते हैं हमें सेपरेट ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम अलग अलग यूज़ करें कैमरास को। जब हम फोटो, और आपको मैं बता देता हूँ जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डेप्थ सेंसर का कैमरा है, और डेप्थ सेंसर फोटोज जब हम लोग क्लिक करते हैं उस एंगल पे जाके तब कैमरा अपने आप वर्क करता है। एक्चुअली इसमें स्पेशल प्रोमोड भी नहीं गिवन है कैमरे में, इसीलिए आप उसको अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। बाकी अदर ऑप्शन कोई ऐसे नहीं गिवन होता है कि मैक्रो कैमरे के लिए अलग है, डेप्थ के लिए अलग है, वो जब फोटो हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाती है फोटो। अगला सवाल है यहाँ पे AKP कुमार जी की तरफ से, भैया एक्सिनोस 9611 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है पर सैमसंग ने इनेबल नहीं किया है, पर हम लोग उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं? तो देखिए कैरियर एग्रीगेशन पे एक डिटेल वीडियो आने वाली है जल्दी ही, तो आप चैनल पे बने रहिए। इसके अलावा और मैं अभी आपको कुछ भी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, पर जो भी वीडियो आएगी उससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि कैरियर एग्रीगेशन में देख रहा हूँ काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि हम लोग कैरियर एग्रीगेशन को कैसे इनेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे TechYT1 जी की तरफ से एक और क्वेश्चन आ रहा है, भाई अपनी यूट्यूब अर्निंग्स बताओ। तो देखिए YouTube अर्निंग्स में एज सच रिवील नहीं कर सकता, ये आपको पता ही होगा अगर आप एक क्रिएटर हैं, ये YouTube पॉलिसीज के खिलाफ है। बट एक मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा एक पेमेंट यहाँ पे आ चुका है और वो 100 से 150 डॉलर्स के बीच में था, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। तो अब दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दोस्तों अंश येडे जी ने पूछा है, वॉट इज़ योर गोल इन लाइफ? तो सर मैं आपको अपना गोल एज सच डिस्क्राइब नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर गोल्स हम लोग अपने मेरा ऐसा मानना है कि गोल्स अगर हम लोग ऐसा सच बता देते हैं तो वो कुछ पूरे नहीं होते हैं। तो ये देखिए मेरा मानना है, आप बुरा मत मानिएगा, बट एज सच गोल डिफाइनिंग नहीं हम लोग कर सकते, क्योंकि समय आने पर ही हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करना रहता है, तभी हमारी जो लाइफ जर्नी है वो कहीं भी मुड़ सकती है जाके, क्योंकि हर समय हमें अपनी जो रोड है जिसपे हम ट्रैवल कर रहे हैं वो हमेशा सीधी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें टर्न लेना ही पड़ेगा, और वो टर्न हमेशा सिचुएशन के ही हिसाब से लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस मैंने पिकअप करे थे, अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। आप लोग अगर अपना क्वेश्चन पिक करवाना चाहते हैं मुझसे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अपने क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की कैरियर एग्रीगेशन पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियोस को लाते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।